बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। इसकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास आप लोगों ने मैट्रिक्स भी जान लिया कि मैट्रिक्स क्या है, सही है, एलिमेंट्स क्या है, रो क्या है, कॉलम्स क्या है, ये सब कुछ आप लोग जान लिए। अब हम इसमें फाइंड करेंगे ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या चीज है, सही है। ट्रांसपोज असल में हमारे पास है जब हम रो को कॉलम में चेंज करें। ट्रांसपोज क्या होता है, विल बी कन्वर्ट रो टू कॉलम और कॉलम टू रो। अगर रो को हम कॉलम में चेंज करें या कॉलम को रो में चेंज करें तो उसको हम कहते हैं ट्रांसपोज। जैसे हमारे पास देखो, मैं लिख लेता हूं कि मेरे पास है ए इज इक्वल टू ए बी सी एंड डी। ये मेरे पास एक नंबर है। अगर मैं बहुत सारे इस पर ट्रांसपोज दूंगा तो ए ट्रांसपोज मेरे पास क्या आएगा, फर्स्ट रो हमें दिया जाएगा ए और बी, ये फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम बन जाए। ये सेकंड रो है तो इससे सेकंड कॉलम बन जाएगा। आप लोगों का ट्रांसपोज हो गया। मतलब क्या है, रो को कॉलम में चेंज हो, कॉलम में चेंज कर दिया। अगर हम कॉलम को रो में चेंज करें तो भी यही आंसर आएगा। जैसे हमारे पास फर्स्ट कॉलम है तो इससे फर्स्ट रो बनाते हैं ए और सी, सेकंड कॉलम है तो इससे सेकंड रो बनाते हैं बी एंड डी। तो देखो ए सी बी डी, ए सी बी डी। अगर आप लोग रो को कॉलम में चेंज करें या कॉलम को रो में चेंज करें तो उसको आप लोग कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये ट्रांसपोज, सही है। आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हैं कि व्हेन वी चेंज रो इन कॉलम एंड कॉलम इन एंड आर कॉलम इन रो, दिस इज कॉल्ड मैट्रिसेस। बुक में आप लोग का डेफिनेशन मौजूद है। डेफिनेशन असल में पेपर्स में आती भी नहीं है, लेकिन ये इसका डेफिनेशन है कि अगर हम लोग रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज करें तो उसको हम कहते हैं ट्रांसपोज, सही है। अच्छा, क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.2 में, राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसका हम लोगों ने ट्रांसपोज फाइंड करना है। पी हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 1, पी का मैट्रिक्स ये है। तो सॉल्यूशन में आप लोग लिख लें पी, टेक ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, बोथ साइड पे आप लोग ट्रांसपोज ले, सही है। जैसे देखो यहां पर मैंने ट्रांसपोज ले लिया और यहां पे भी मैंने ट्रांसपोज ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया, तो पी ट्रांसपोज उसी तरह जाएगा। और इससे ट्रांसपोज खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करते हैं, सही है। अब ये सेकंड रो है तो सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करें, तो ये मेरे पास आ जाएगा पी ट्रांसपोज। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, 3 को देखें, 2 बिल्कुल सेम इसी तरह है। उस पे भी 4 नंबर है, आप लोग फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम बनाए, सेकंड रो से सेकंड कॉलम बनाए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। 3 नंबर को देखें, ये 5 नंबर है, सही है। 3 में क्या है, r = 6, इसमें सिर्फ एक ही नंबर है। तो अगर इसका मैं r = 6 टेक ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, ट्रांस यहां पे भी लिख लिया, टी यहां पे भी लिख लिया। अब इसमें एक ही रो की और एक ही कॉलम है, तो रो और कॉलम को मैं इसमें चेंज नहीं कर सकता। मतलब कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखूं और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, और एलिमेंट भी एक ही है, तो इसका ट्रांसपोज ही आएगा 6, सही है। 6 का ट्रांसपोज 6 ही आएगा। अगर किसी भी एक नंबर का हमारे पास आ जाए तो उसका ट्रांसपोज वही नंबर आ जाता है, सही है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम इस तरह है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह रो को कॉलम में चेंज करें। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का होमवर्क है, सेम इसी तरह है, रो को कॉलम में चेंज करें या कॉलम को रो में चेंज करें तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ये देखिए टी इज इक्वल टू दिस, टी का मैट्रिक्स मेरे पास इसके बराबर है, सही है। टेक ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, ट्रांसपोज लेना है, ये है फर्स्ट कॉलम रो, जैसे मैंने फर्स्ट कॉलम बनाया, सॉरी, ये हम लोगों ने क्या किया है, ये हम लोगों ने टेक ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, ट्रांसपोज यहां पर ले लिया और ट्रांसपोज यहां ले लिया, क्योंकि हम लोग जब क्वेश्चन लेते हैं तो ट्रांसपोज उसी क्वेश्चन के ऊपर ही लेते हैं, सही है। टेक ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, टी यहां पे और टी यहां पर। अब ये फर्स्ट रो है, जैसे आप लोग फर्स्ट कॉलम बनाएंगे 6 7 8 6 7 8, ये आप लोगों के पास है सेकंड रो 13 1 3 13 1 3, और थर्ड रो जो है हमारे पास है 2 4 5, सही है। तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो से सेकंड कॉलम, थर्ड रो से थर्ड कॉलम, सही है। ये था आप लोगों का ट्रांसपोज। अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, उसमें बताया गया है यूं कि आप लोग फाइंड करें इसमें ट्रांसपोज कौन सा जो है किसी का ट्रांसपोज है। ये आप लोग साथ साथ अपने
नीट कॉपी में लिख के जाने चाहिए। और जब आएंगे तो मैं इसको चेक करूंगा कि आप लोगों ने कितना होमवर्क किया है और कितना आप लोगों को, अगर आप लोगों को मेंस ही किसी को रहता है तो फिर क्या होगा कि मैं आप लोगों के जब मेडिकल के एग्जाम होंगे तो उसमें से मैं उस कॉपी के नंबर जो है वो डिडक्ट करूंगा। सेम 10 मार्क्स जो कॉपी के मिलते हैं आप लोगों को तो वो मैं नहीं दूंगा। तो इस वजह से जो मैं करता हूँ आप लोग कॉपी में लिख दीजिए, सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following matrices are transpose of each other? सही है, ये तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं। चलो मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है A is equal to A1, A2, B1 and B2, सही है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है B is equal to A1, B1, A2, B2। थर्ड नंबर जो है C is equal to -3, 1, -1, 4, 2 और 7, और 4 नंबर है -3, 4, 1, 2, -1 है। अच्छा देखो यहाँ कितना इजी है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, कैसे कैसे कौन सा जो है दूसरे का ट्रांसपोज है। अब देखो 4 मैट्रिसेस ए बी सी डी आप लोगों को खुद भी नजर आ रहे हैं, सही है कि आप लोगों में से ट्रांसपोज देखो इसमें हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो A1 A2 यही ये फर्स्ट कॉलम है, सही है। सेकंड रो ये है सेकेंड कॉलम, अगर हम उसका भी ट्रांसपोज ले लें, फॉर एग्जाम्पल ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, मतलब क्या है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, अगर ए का ट्रांसपोज लेंगे तो वो बी आएगा, अगर बी का हम ट्रांसपोज ले लें, फॉर एग्जाम्पल हम बी का ट्रांसपोज लेते हैं, फर्स्ट रो A1 B1, यहां पे फर्स्ट कॉलम A1 B1, यहां पे सेकंड रो A2 B2, और यहां पे सेकंड कॉलम A2 B2। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, अगर ए का ट्रांसपोज देंगे वो बी आएगा, अगर बी का ट्रांसपोज देंगे तो वो ए आ जाएगा, सही है। तो ये आप लोगों का क्या है आंसर, सही है। इस पे यही बताया कि कौन सा जो है दूसरे का ट्रांसपोज है, तो ए बी का ट्रांसपोज है, बी ए का ट्रांसपोज है। इस तरह इसको देखें, अगर मैं लिखूंगा कि सी इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, लिख सकता हूं ना, देखो ये फर्स्ट रो -3, 1, -1, -3, 1, -1, ये सेकंड रो फोर टू सेवन, फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट रो, सेकंड रो तो सेकंड सर सेकंड रो, तो डी एंड। अब अगर मैं क्या करूं इसका सॉल्यूशन डी ट्रांसपोज, देखो ये फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट था, ये सेकंड रो है तो ये सेकंड था, ये थर्ड रो है तो ये थर्ड था, तो आप लोगों के पास आ जाएगा कि C is equal to D transpose or and D is equal to C transpose, सही है। अच्छा नीचे वाली भी जो है 3 नंबर क्वेश्चन भी ट्रांसपोज का है और 4 नंबर भी ट्रांसपोज का है, लेकिन क्योंकि पेयर लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है
सिर्फ सिर्फ एक ही क्वेश्चन मैं आपसे करवा देता हूँ, सही है? क्वेश्चन नंबर 3 में से मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, या इस तरह करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो आप लोगों का एक है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक एंड विच आर स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, इसका मैं डिफिनेशन भी लिखवा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, और इसके बाद फिर मैं ये समझा भी दूंगा कि क्या होता है ये सिमेट्रिक क्या है स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हमारे पास जो जिसे आप ट्रांसपोज ले लें दोबारा क्वेश्चन आए तो वो सिमेट्रिक होता है, और अगर हम ट्रांसपोज ले लें और वो आंसर जो है वही क्वेश्चन आ जाए लेकिन आप लोगों के माइनस का आंसर जो है माइनस में आ जाए तो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ये मैं डिटेल से करवाऊंगा आप लोगों को फिर आगे लेक्चर में, सही है? बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।